वंदे मातरम दोस्तों दोस्तों बात करूंगा आज मैं मोबाइल नेम्बोलॉजी के ऊपर और दोस्तों आज मेरी बात होगी मोबाइल नेम्बोलॉजी में रिपीटेड नंबर के ऊपर उस क्रम में आज दोस्तों मैं बात करूंगा नंबर फाइव की नंबर फाइव बुध का नंबर मरकरी का नंबर बहुत सुंदर नंबर दोस्तों लेकिन यदि ये मोबाइल में फोर टाइम या फोर टाइम से अधिक बार दोस्तों आ जाए तो इसके क्या मायने होते हैं और इसका हमारे व्यक्तित्व पर क्या प्रभाव पड़ता है दोस्तों आज इसी पर बात मैं करूंगा मित्रों अगर बुद्ध का ये नंबर नंबर फाइव मोबाइल नंबर में चार बार या चार बार से अधिक आता हो तो ऐसा व्यक्ति निश्चित रूप से दोस्तों आलसी प्रवृत्ति का हो जाएगा लेजी हो जाएगा और ऐसा व्यक्ति व्यर्थ की बहुत ही ज़्यादा बातें करने वाला अनलॉजिकल बातें बहुत ज़्यादा करने वाला नंबर फाइव फोर टाइम या फोर टाइम से अधिक मोबाइल नंबर में आता हो तो ऐसा व्यक्ति स्कैम में भी फंसता हुआ देखा जाता है घोटालों धोखाघड़ी में भी ऐसे व्यक्तियों को फंसा हुआ देखा जाता है दोस्तों नंबर फाइव जहां हमें धन को देने वाला नंबर है परंतु यदि मोबाइल में ये चार बार या चार बार से अधिक आ जाता है तो ये मनी लॉस को भी दर्शाता है ऐसे व्यक्ति बहुत ज्यादा व्यर्थ की बातों को करने वाले बहुत आलस्य और सुस्ती से भरे हुए हो जाते हैं जिनके मोबाइल नंबर में दोस्तों नंबर फाइव फोर टाइम या फोर टाइम से अधिक बार आ रहा हो मित्रों नंबर फाइव यदि फोर टाइम या फोर टाइम से अधिक बार आ रहा हो तो निश्चित रूप से ऐसा व्यक्ति अल्कोहलिक भी हो जाता है और वो मदिरा पान का आदि या किसी व्यसन का आदि भी बन जाता है जब नंबर फाइव मोबाइल नंबर में फोर टाइम या फोर टाइम से अधिक बार दोस्तों आ जाता है दोस्तों ये थी जानकारी रिपीटेड नंबर यदि मोबाइल में नंबर फाइव बुध ग्रह का नंबर चार बार या चार बार से अधिक आता हो तो उसके क्या मायने होते हैं उसका हमारे व्यक्तित्व पर क्या प्रभाव पड़ता है दोस्तों आज मैंने बात इस विषय पर की मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में तब तक के लिए अच्छे कर्म करते रहें अपने पुण्य कर्मों के खाते को बढ़ाते रहें इसी शुभ मंगल कामना के साथ मैं अजीत मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में तब तक के लिए वंदे मातरम